मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज आपको एक खुशखबरी देने वाले हैं, जो बच्चे बीटीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए। तो सारी प्रोसेस हम बताएंगे, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। हाउ टू अप्लाई फॉर यूपी बीटीसी डीएलएड, यानी कि डीएलएड बीटीसी के लिए कैसे अप्लाई करें, क्या प्रोसेस होने चाहिए, क्या सर इस बार सच में जो एडमिशन होगा वो मेरिट लिस्ट पे नहीं होगा, अगर होगा तो बताइए फटाफट। तो सारी चीज़ें बताने वाले हैं, कितने फीस लगेंगे, दिव्यांग के लिए कितने फीस होंगे, ओबीसी के लिए कितने फीस होंगे, अप्लाई करने के लिए अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, काउंसलिंग की लास्ट डेट क्या है, काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, सारे प्रश्न, कितना शुल्क लगेगा, एससी एसटी, कितनी मेरिट होनी चाहिए आपका ग्रेजुएशन में, सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। बस आप लास्ट तक बने रहिएगा तभी आपको समझ में आएगा। छोटी सी वीडियो है, फटाफट आप शेयर कर देंगे। जितने विद्यार्थी हैं जो भी यूपी बीटीसी करना चाहते हैं दोस्तों, उनके लिए बेस्ट ऑफर है और बेहतरीन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। कब से अप्लाई कर सकते हैं सारा सब कुछ हम यहाँ पे बताने वाले हैं, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, ध्यान सुनिए। हाउ टू अप्लाई फॉर यूपी बीटीसी डीएलएड, यानी कैसे अप्लाई करें डीएलएड के लिए, बीटीसी के लिए। यूपी बेसिक शिक्षा ने यूपी डीएलएड एडमिशन की शेड्यूल की घोषणा कर दी है दोस्तों। यूपी के डिप्लोमा एंड एलिमेंट्री एडमिशन के लिए शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है यूपी सरकार द्वारा। इसी या फिर इसे ही हम क्या कहते हैं, यूपी बीटीसी कोर्स के नाम से भी जानते हैं। यूपी डीएलएड को यूपी बीटीसी कोर्स के नाम से जानते हैं, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा बीटीसी और डीएलएड क्या होता है, डाइट क्या होता है, सब सेम होता है। जिसको गवर्नमेंट मिल जाता है वो डाइट में चला जाता है, नहीं तो अन्यथा बहुत सारे बच्चे हैं प्राइवेट करते हैं। तो शॉर्ट नोटिस एक आपको जारी की गई है यूपी डीएलएड की वेबसाइट पर, या आप पा सकते हैं किस वेबसाइट पर, इस पर यूपी डीएलएड गवर्नमेंट जीओवी यूपी डीएलएड डॉट जीओवी डॉट इन पर आराम से आप वहां पर जाके देख सकते हैं दोस्तों, यह वहीं पर जारी हुआ है। आइए जानते हैं इसके लिए कौन कौन कर सकता है अप्लाई, क्या आप कर सकते हैं अप्लाई, अगर कर सकते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। दोस्तों यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में 3 साल का ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 3 साल का। जिस कैंडिडेट के पास 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री है यूजीसी में, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी क्षेत्र में, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीटेक हो, चाहे कुछ भी हो, बी फार्मा वगैरह, समझ रहे हैं, अगर आपके पास 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री है तब जाके आप बीटीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी शर्त है, ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर बीटेक वाले हैं तो 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं कोई इंजीनियरिंग सेक्टर से हैं तो आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, अन्यथा आपका ग्रेजुएशन बीए बीएससी इस सब से है तो आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, तब जाके आप कर सकते हैं किस में अप्लाई, इस बीटीसी के लिए। बस यह मार्क्स इसके लिए था, जनरल वालों के लिए था। लेकिन एससी एसटी की बात करें तो जनरल ओबीसी का 50% और 55% किसमें, इंजीनियरिंग क्षेत्र में, और अन्यथा बीए बीएससी अगर आप किए हैं तो 50%। अगर एससी एसटी का बच्चा है तो उसका 45% रहना चाहिए प्लस 50% रहना चाहिए, इस तरह का ये चीज़ें याद रखिएगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है, अब ज़्यादा से ज़्यादा से ही हम छोटे के लेवल पे आएँ, जैसे कि आपका 50% है, आप सोच रहे हैं अप्लाई कर दिए तो गवर्नमेंट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपके आगे या फिर आपसे छोटा बच्चा जो 2 साल से 3 साल से बैठा है लेकिन वह ग्रेजुएशन पास है, अब वो अप्लाई करना चाहता है बीटीसी में, तो उसका 80% है, 82% है, 84% है, 85% है, 90% है, तो वही लोग बाजी मारते हैं, वही उन्हीं लोग को डाइट मिलता है। हर जिले में एक डाइट होता है, आपको पता है 75 जिले हैं तो 75 में डाइट है ना, तो वही आता है गवर्नमेंट कॉलेज में, ये चीज़ याद रखेंगे। इसमें सर एज लिमिट क्या है, अब सारी चीज़ें एक एक चीज़ के समझते चलिए दोस्तों, लिखते चलेंगे, कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। जो एज लिमिट लाने वाला है आपका 18 से लेकर 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, और हर साल इसे फॉर्म को जारी करना चाहिए, और हो सकता है कोविड-19 के कारण नहीं जारी हुआ हो अगले साल, लेकिन हर साल ये फॉर्म आता है और हर साल बच्चे अप्लाई करते हैं, मेरिट लिस्ट पर इसका क्या होता है, ज्वाइनिंग होता है, इसमें बच्चे दाखिला करते हैं अपना। अच्छा सर यह बताइए, इसमें एज लिमिट में छूट भी है क्या? जी, आरक्षक वर्ग जो हैं उनके लिए एज लिमिट में छूट भी दिया गया है, उनको छूट मिलती है, ठीक है ना, याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें आवेदन शुरू होने की तारीख क्या है दोस्तों, तो बता देंगे वेबसाइट पर दिया गया है 20 जुलाई 2021 से आपका आवेदन शुरू हो जाएगा, यह चीज़ याद रखेंगे। सर आवेदन तो शुरू हो गया, उसके बाद लास्ट डेट क्या होगी, मतलब हमको तो पता है ना कुछ बच्चे लास्ट डेट में भरते हैं, तो लास्ट डेट भी पता रहना चाहिए भाई उनके लिए, उनको तो पता होना चाहिए सर लास्ट डेट है 10 को ही अप्लाई करेंगे, चाहे वेबसाइट भले ही क्रैश हो जाए, तो याद रखेंगे दोस्तों पहले से अप्लाई कर देंगे आप, जिससे कि आपको प्रॉब्लम से नहीं आए, तो 10 अगस्त से पहले आप अप्लाई कर देंगे, क्योंकि लास्ट डेट जो है 10 अगस्त 2021 है, तो कोशिश करिएगा इससे पहले हम अप्लाई कर दें तभी जाके अपने आप को सिक्योर कर पाएंगे, अगर करना चाहते हैं तो, अन्यथा आप करिए, 10 अगस्त के बाद भी करेंगे ना तब भी आपका वही होगा, वो हो जाएगा, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो 10 अगस्त के बाद भी होगा, अन्यथा अगर आप करना चाहते हैं तो हमारा यही सुझाव है आपके लिए कि आप 10 अगस्त से पहले अप्लाई कर दें, ठीक
ठीक है, 20 जुलाई 10 अगस्त के बीच में, यानी कि मिला जुला कर देखें तो 10 उधर 10 इधर, 20 दिन आपके, 20-21 दिन आपके पास टाइम है, कर सकते हैं। आवेदन शुल्क सर सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा मुद्दा है सर, आवेदन शुल्क कितना रहना चाहिए, आवेदन शुल्क जमा करने का, अच्छा आवेदन शुल्क जमा करने के लास्ट डेट क्या है, आवेदन शुल्क कितना रहेगा अभी उधर बताएंगे हम, जमा करने की लास्ट डेट क्या है सर, तो लास्ट डेट बता देंगे दोस्तों, जो लास्ट डेट है वो 11 अगस्त 2021 है, जो आपसे पूछा जाएगा, नहीं आपको याद रखना है 11 अगस्त 2021 से पहले पहले फॉर्म भरने का 10 अगस्त, लेकिन 11 अगस्त के पहले पहले आपको फॉर्म फीस जमा कर देने हैं, है ना, यह चीज़ है ना शुल्क। अगर जो भरा हुआ फॉर्म है आपके पास वह अंतिम तारीख उसका कब होगा जमा करने का, होता है ना लास्ट डेट, बच्चे संशोधन करते हैं तो 12 अगस्त, फीस जमा 11 लास्ट डेट और फॉर्म जमा करने का लास्ट डेट 12, फॉर्म डेट स्टार्ट होगा 20 से 10 अगस्त के बीच, 20 जुलाई 10 अगस्त के बीच में, ये चीज़ याद रखेंगे। अच्छा काउंसलिंग डेट क्या है सर, क्योंकि हमने वादा किया भैया काउंसलिंग तक आपके साथ सारी चीज़ें आपको बताएंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है और नहीं भी रहेगा, बस लास्ट तक बने रहिए तभी आप समझ पाएंगे। देखिए 18 से 30 अगस्त 2021, 18 से 30 अगस्त 2021 दोस्तों यही लास्ट क्या है इसका, काउंसलिंग का लास्ट डेट है, मतलब 18 अगस्त से 30 अगस्त तक इसका क्या होगा काउंसलिंग चलेगा, ये चीज़ याद रखेंगे, इतने में ही आपका एडमिशन वगैरह हो जाएगा। अगर लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको पता चलेगा दोस्तों कि आपका मेरिट लिस्ट पे होगा या फिर नहीं होगा। आगे चलते हैं। अच्छा ऑनलाइन आवेदन की अगर बात करें दोस्तों, क्योंकि ये ऑनलाइन आवेदन होगा, ऑफलाइन नहीं होने वाला है, तो इसको ध्यान रखिएगा, कोई भी गलती कोई भी त्रुटि नाम वगैरह मत करिएगा, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी बाद में जब हो सकता है रिजल्ट वगैरह मिलने लगे। अच्छा वेबसाइट क्या है सर, इस पर किस वेबसाइट पे जाएंगे, updlet.gov.in, ये चीज़ याद रखेंगे। अच्छा सर शुल्क क्या होगा, क्या जनरल और ओबीसी के लिए गवर्नमेंट ने सेम किया है, एससी एसटी के लिए सेम किया है, जी जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपये और एससी एसटी के लिए 300 रुपये एक कैंडिडेट के लिए, लेकिन सर दिव्यांग के लिए, दिव्यांग जो है भैया वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे बूढ़े हों कुछ भी हों, अगर वह इसके अंदर है 35 साल के अंदर तो उनके लिए 100 रुपये होगा, चाहे वह किसी भी अंग से अपंग हों, चाहे उनका कोई भी अंग अपंग है, अगर वो दिव्यांग में आते हैं तो आराम से वह, उनके पास दिव्यांग का सर्टिफिकेट होना चाहिए पहली बात है ना, तभी वो दिव्यांग श्रेणी में आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे, 100 रुपये उनको जमा करना होगा। ये तो रही सर मोटी मोटा बात, सर अब बताइए जो लास्ट है सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन किसका होगा, क्या मेरिट लिस्ट पे होगा या फिर इसके लिए एग्जाम सरकार कराएगी। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि एग्जाम सरकार लेने वाली है, फिर उसके बाद बीटीसी का नियुक्ति होगा, मतलब बीटीसी के लिए आप अप्लाई करेंगे, फिर कॉलेज में पढ़ेंगे 2 साल, फिर उसके बाद यूपीटेट सीटेट फिर सुपरटेट जो भी आपको देना हो, प्राइमरी लेवल जूनियर लेवल एग्जाम इस तरह देंगे, है ना। लेकिन सर इसे बताइए तो पहले, क्या हमारा जो इस बार का होगा एडमिशन क्या एग्जाम होगा या फिर मेरिट लिस्ट होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसमें 50% मांगा है, 55% मांगा हुआ है, 50% उनका जो बीएससी बीए वगैरह किए हैं जनरल में, और एससी एसटी में 45%, और अगर आप इंजीनियरिंग क्षेत्र से हैं तो 55% और एससी एसटी का 50% यह मांगा गया है। तो जाहिर सी बात है आपको समझ जाना चाहिए कि इस बार का भी जो डेट जो आपका काउंसलिंग होगा वो मेरिट लिस्ट पे ही होगा। दोस्तों अगर आपका नंबर अच्छा है तो आपको बधाई हो, 85 प्लस वालों का पिछली बार हुआ था, इस बार भी आपका 85 प्लस है परसेंट, 80 प्लस है तो आप बिल्कुल भी होने के चांस में, क्योंकि पता है दोस्तों अगर बीएड की बात कर लें, बीएड में पिछली बार एडमिशन बहुत कम हुआ था, इस बार लेकिन पता है फॉर्म कितने लोग भरे हैं, 20 लाख से ऊपर लोग इस बार देंगे, समझ रहे हैं, अब 20 लाख से ऊपर देंगे तो जाहिर सी बात है सब लोग करेंगे भी, समझ रहे। पिछली बार जो हुआ था बीएड उसमें बहुत सीटें खाली गई थी और बीटीसी तो पिछली बार आया ही नहीं था फॉर्म, इस बार आया है, आप भरेंगे बेहतरीन तरीके से, आप देंगे एग्जाम और देखेंगे कि ये सारे प्रोसेस आपके काम आएंगे। अगर आपने कुछ सीखा है समझा है तो एक काम आप करेंगे, बस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए, अपने कॉलेज में अपने कलीग को, अगर आपको लगता है बीटीसी करने वाले हैं तो उनको ये वीडियो दीजिए, उनको कहिए कि इस वीडियो से आप सब कुछ क्लियर कर सकते हैं, और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और यह सबके तक पहुँचना चाहिए भाई, सबका भला हो तभी जग का भला होगा। धन्यवाद।